आज हमारी दोपहर का खाना बनना चालू है। और हम क्या बना रहे हैं जूली? पत्ता गोभी। आज हम बना रहे हैं आलू पत्ता गोभी की सब्जी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। डेफिनेटली अगर हम आलू पत्ता गोभी बना रहे हैं तो हमको पत्ता गोभी चाहिए। और गाइज, मैं पत्ता गोभी को थोड़ा गर्म पानी में ब्लांच कर लेती हूँ, सो दैट कि इसमें, आई डोंट नो ये मिथ है या सच्चाई है, कहते हैं कि एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो कि आपके ब्रेन में पहुँच सकता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि आपके ब्रेन में पहुंच सकता है। सो जस्ट टू अवॉइड दैट फॉर द हेल्थ ऑफ माय फैमिली, मैं इसको थोड़ा सा पानी में ब्लांच करके और इसको हल्का सा, हल्का सा, बहुत हल्का सा एक गर्म पानी में डाल के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये है मेरे आलू, जो कि मैंने 3 आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स में मतलब कि अनसेड शेप्स में काट के रख लिया है। और मैं इसको पानी में इसलिए डाल के रखती हूँ ताकि उसकी स्टार्च निकल जाए, बिकॉज़ आई हैव 2 पीपल इन माई हाउस जिनको कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पानी में डालती हूँ। दो रीज़न, एक तो मेरे आलू काले नहीं होते हैं, दूसरा इसमें से थोड़ा स्टार्च निकल जाता है। एंड आई विल टेल यू हाउ टू मेक दिस आलू पत्ता गोभी विद वेरी 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 बेसिक इन्ग्रीडियंट्स। और वो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं, डेफिनेटली यू वुड नीड एन ऑयल। आपको चाहिए उसके लिए टमेटो का पेस्ट। मैं इसमें क्या कहते हैं उसको, प्याज नहीं डालती हूँ, ओनली 3 टमेटोज़ का पेस्ट है। फिर मुझे चाहिए चॉप्ड लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता मैं डालती हूँ। हम डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड अब बेसिक इंग्रेडिएंट्स, ये देखो कितनी कलरफुल प्लेट लग रही है। नमक, आई यूज़ रॉक सॉल्ट, जीरा, लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसा जिसको अच्छा लगता है। जितना तीखा उतनी मिर्च, जितना कम तीखा उतनी कम मिर्च, जितना नमक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप ज़्यादा डालिए, कम अच्छा लगता है आप कम डालिए। फिर है इसमें आपका हल्दी, फिर है ये इसमें आपका धनिया पाउडर, और ये सब हम डालकर अब अपनी सब्जी फटाफट से बनाते हैं। गाइस, टू स्टार्ट विथ, मैंने अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इस ऑयल में मैं सबसे पहले अपने डालूंगी पटेटोज़, सो दैट के पटेटोज़ थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और मैं पटेटोज़ डाल के इसके साथ ही साथ मैं थोड़ी देर में नमक और जीरा, अदरक, लहसुन सब डाल दूँगी ताकि पटेटोज़ में इसका फ्लेवर आता जाए। जब थोड़े से पटेटोज़ वगैरह पक जाएंगे फिर मैं उसको निकाल कर उसमें फिर अपना टमेटो प्यूरी डालूंगी और फिर इसको मैं बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप पटेटो फ्राई करके बनाना चाहते हैं आप फ्राई करके बनाइए, आप फ्राई करके नहीं बनाना चाहते, आप नॉर्मल ज़्यादा और हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हो तो आप पहले टमेटो का प्यूरी को आप पका लीजिए, फिर उसके बाद जब आप पत्ता गोभी डालेंगे तब आप पटेटो डाल सकते हैं। और मेरी मम्मी एक इसको बहुत ही यूनिक तरीके से बनाती थी, जो कि वो उसमें डालती थी चने की दाल। मुझे बहुत पसंद है चने की दाल और पत्ता गोभी और आलू, बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। बट उसके लिए आपको जो चने की दाल है वो एक बार हल्का सा उसको सीटी दिलानी पड़ेगी, हल्का सा बॉईल करना पड़ेगा। गाइस, एट दिस स्टेज मैंने अपने आलू डाल दिए हैं, लहसुन अदरक डाल दिया है और जीरा डाल दिया है और कड़ी पत्ता डाल दिया। अब आप देखोगे थोड़ा थोड़ा लहसुन अदरक इस पर चिपक रहा है, कोई बात नहीं, वो भुन जाएगा। और उसके बाद आप इसमें टमेटो प्यूरी डालोगे तो वो सारा घुल जाएगा उसमें। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें टमेटो का जो प्यूरी बनाया था वो डाल दूंगी, और ये जो सारे आपको इसमें साइडों में लहसुन अदरक जो दिख रहा था जो थोड़े थोड़े चिपक रहे थे वो हट चुके हैं, क्योंकि वो सारे टमेटो में स्मर्ज हो चुके हैं जिसकी वजह से वो हट जाते हैं। अब ये थोड़ा सा जब पक जाएगा तब मैं इसके अंदर अपना इंग्रेडिएंट जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी डालना शुरू करूँगी। और मैंने जब आलू किए थे तभी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि वो जो नमक है वो आलू के अंदर सिमर हो जाए। तो गाइस, जिस स्टेज पे मैंने आपको बोला था कि मेरे जो टमेटो प्यूरी है वो पक जाएगी, और मैंने इसमें अपने जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जो डाल दिया है, अब ये मेरी बिल्कुल देखो, देर इज़ नो वाटरी कॉन्टेंट, देर इज़ लेस ऑयल, और ये बिल्कुल पक चुकी है। अब ये स्टेज है जिसमें कि मैं पत्ता गोभी ऐड करूँगी। बस कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपल यहाँ से पत्ता गोभी निकालनी है और सिंपल यहाँ पर ऐड करना है। तो गैस को रखो सिम पे और करते रहो ऐड। सो गाइज, मैंने इसमें अपनी सारी पत्ता गोभी डाल दी है, और अब इसके बाद आई एम ओनली गोइंग टू गिव इट अ नाइस स्टर, और इसको बस ऊपर नीचे कर कर सिम पे मैं इसको ढक दूंगी
ताकि ये आराम से पकती रहे। और मेरा बेसिक हैक यही है, जो सबसे छोटे वाला बर्नर है उस बर्नर इस बर्नर पे मैं रख देती हूँ सिम पे लगाकर, और ये आराम से अपनी स्लो कुकिंग में पकती रहती है। तो गाइज जब ये फाइनल पक जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड दिस इज मेड विद द बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड बिलीव मी द टेस्ट विल हैव एन उम्फ फैक्टर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड टेस्ट। मेरे यहाँ पे ना कॉलोनी में एक मंकी वाला बंदा आया, वैसे तो आई डोंट प्रमोट सच थिंग्स बट स्टिल। और ये देखो मंकी, तो गाइज मैंने इन छोटे छोटे मंकीज के लिए बनानास भिजवाए हैं जूली के हाथ, तो जूली इनको बनानास देने जा रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी लालची एंड ही सेइंग कि पैसे दो मुझे केले नहीं खाने हैं। वो गाइज उसने हम उन मंकीज को बनानास दे रहे हैं खाने के लिए और वो खा भी नहीं रहा है बेचारा। ओ नहीं, आई सर्टनली बिलीव के एक्चुअली ये एनिमल। गाइज आई एम लिटल सैड टुडे बिकॉज मैंने अमेजोन से दो तीन दिन पहले एक बेडशीट ऑर्डर करी थी, बहुत अमेजिंग, और दैट वॉज अ कॉटन बेडशीट जयपुरी डिज़ाइन में, और मुझे बहुत अमेजिंग लग रही थी। बट मुझे जो आज रिसीव हुआ, बिकॉज जैसे ही मुझे अमेजोन वाले की कॉल आई वॉज लाइक सुपर एक्साइटेड, और मैं जो भी सब्ज़ी बना रही थी उसके बीच में रुक कर मैं जाकर उससे लेने गई हूँ। एंड यू नो वॉट हैव आई रिसीव, अ कुर्ती विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड मटीरियल कुर्ती। आई थिंक आई वुड हैव केप्ट इट बट इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड मटीरियल कुर्ती। तो मैं आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद अमेजोन, एंड मैंने हालांकि रिटर्न प्लेस इन कर दिया है, एंड लेट्स सी कल तक ये लोग इसको पिकअप कर लेंगे। अगर उनके पास रिप्लेसमेंट होगा तो वो रिप्लेसमेंट देंगे, नहीं होगा तो दे विल पुट द मनी बैक इन टू माई अकाउंट। Not that happy because I was waiting for something to be delivered. A bed sheet, मुझे बेड शीट का भी बहुत क्रेज़ है, ब्यूटिफुल बेड शीट्स हो कॉटन की एकदम बढ़िया से, तो बट दैट्स ओके अब नहीं आई है तो वाई टू रिग्रेट। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट अमेजोन हैज़ सच अ कूल प्लेटफॉर्म, अगर आपकी चीज़ नहीं आती यू कैन रिप्लेस, यू कैन रेज अ रिक्वेस्ट एंड रिप्लेस इट। और ये जो पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ है ये थैंक्स टू माई हस्बैंड, बिकॉज वो हम जहाँ कल गए थे घूमने के लिए वहाँ पे कैरियोके नाइट चल रहा था, एंड ही इज़ लाइक वेरी फैसिनेटेड बाय दैट गर्ल हु वाज सिंगिंग ओवर देयर एंड द गिटारिस्ट, एंड सो ही इज़ सो लाइकिंग इट एंड ही इज़ जस्ट रीप्लेइंग दैट वीडियो अगेन एंड अगेन जस्ट टू लुक इनटू इट। सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, और जैसी सब्जी बनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। बैक टू माई चैनल, एंड अब बज गए हैं रात के 10:30 एंड इट्स टाइम टू गो टू बेड। आज जल्दी रात को इसलिए सो जाएंगे सो दैट कि कल से ऑफिस दोबारा से स्टार्ट है, कल फिर से काम पे लगना है, मंडे टू फ्राइडे वर्क वर्क वर्क, सैटरडे संडे फाड़ी फाड़ी फाड़ी। सो ये आपका भी और आई गेस सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि 5 दिन मन लगा के काम करो और 2 दिन मन लगा के इन्जॉय करो, या टाइम दो अपनी फैमिली को या अपने आप को। सो टाइम अपने आप को तो इन्हें से मतलब है कि गाइज यू कैन एक्चुअली सी व्हाट आर दीज, दीज आर द टी बैग्स। सो व्हाट आई डिड वाज कि जब मैं अपनी ग्रीन टी या ब्लैक टी बना लेती हूँ उसके बाद मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद जब भी मुझे रात के टाइम पे टाइम मिलता है तो आई यूज़ दीज लाइक दिस, ऐसा आई यूज़ इट, आई कीप इट एंड आई लेट इट टू मेक श्योर कि ये मेरी आईज को बहुत सूदिंग इफेक्ट दे। It's going to be one this process. The second process is that you know it already, I use olive oil for my face, that is the night routine that I do, and I think jab thodi si aap age ho jati hai ya aap 35 plus ho jate ho to thoda bahut apni skin ka bhi dhyan dena shuru kar dena chahiye. So yes, I think aap
जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. स्पेशली आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट डाइवर्सिफाइंग बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज अ लिटल बिट दे डू अ लिटल बिट मोर देन व्हाट गाइज डू. आई एम नॉट सेइंग कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं और लड़के नहीं करते हैं. नहीं, अगर आप उनकी जर्नी देखो, लुक एट योर फादर, लुक एट योर ब्रदर, लुक एट योर सन, लुक एट योर हस्बैंड एंड द मेन अराउंड यू, यू कैन एक्चुअली सी दे ऑल्सो पुट इन अ लोड्स ऑफ एफर्ट्स. डेफिनेटली उनके अकेले के एफर्ट्स नहीं हैं. फीमेल्स आर ऑल्सो देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट मैन, मैन इज ऑल्सो देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट फीमेल. सो आई गेस नटशेल, ज़्यादा बात नहीं करते हुए, बिकॉज यहाँ पे मैं I'm not talking about a men and a women responsibilities and all, but what I'm saying is you should start taking care of yourself. Love yourself, people will definitely love you. The first mantra of yours is love yourself. Be yourself and love yourself. इसी के साथ आज के दिन को यहीं ख़त्म करते हैं.